हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी ऑफ अबी अबीपीडिया और आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दिल्ली पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से रिलेटेड ये मेरा टॉपिक है ये एक इस टाइम पे बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ भी है इवन राइट तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये राइट हमारी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ टॉपिक है ये में हम बात करेंगे कि पल्यूशन जो है वो किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को राइट अदर एनिमल्स या फिर जितनी भी हमारे यू नो इकोसिस्टम है वो कि, उसको किस तरीके से वो बर्बाद कर सकता है और इसमें जो हमारा कितना रोल है ह्यूमंस का इस पोल्यूशन में यू you नो know, जो हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पोल्यूशन हो क्यों रहा है इतना सारा खास करके दिल्ली ही क्यों इतना चर्चा में है राइट right? वैसे तो पूरे इंडिया में ही पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है हर एक अर्बन सिटी के अंदर इसकी प्रॉब्लम है अगर आप जितनी भी बिग कंट सिटीज़ देख लो इवन अभिमन्यु आई जो ये जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका जो ऑफलाइन सेंटर है वो मोहाली के अंदर है इंडस्ट्रियल फेज के अंदर वहाँ पर भी अब तो ये प्रॉब्लम आने लगी है हालांकि जो चंडीगढ़ की लोकेशन है वो शिवालिक फुटहिल्स में है और यहाँ का यू नो एनवायरनमेंट भी थोड़ा अच्छा है बट ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है बट ड्यू टू पल्यूशन जो है वो अब यहाँ का भी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यू you नो know, खराब होता जा रहा है ख़ास करके विंटर सीजन में और ख़ास करके जब फेस्टिवल सीजन आता है उस टाइम पे स्मोक की प्रॉब्लम जो है वो तो अब ये एरिया भी फेस करना शुरू कर फ़ेस करना स्टार्ट करती है तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे बैटलिंग द विंटर स्मोक दिल्ली पॉल्यूशन में दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है और व्हाट इज विंटर स्मोक इसके ऊपर हम बात करते हैं तो सीयर स्टूडेंट ह्यूमन एज वेल एज क्लाइमेट क्राइसिस इंड्यूस्ड डिटेरियोरेशन इन दिल्ली एयर क्वालिटी कॉल फॉर रेडिकल लॉन्ग टर्म स्टेप्स एंड मोर्स रिसोर्सिस इवन स्टूडेंट इस टाइम पे डेली के अंदर दो दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं सो मच पल्यूशन राइट एक क्राइसिस यहाँ पे यू नो क्रिएट हो चुका है दिल्ली की लो एयर क्वालिटी की वजह से और इसके ऊपर हमें एक बहुत ही रेडिकल स्टेप्स उठाने की जरूरत है सो देट लॉन्ग टर्म में हम जो है वो इस क्राइसिस से बाहर आ सके और हम पॉल्यूशन को टैकल कर सकें अगर आप मेरे सामने पिक्चर देखो तो ये अभी रिसेंटली की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि दिन के टाइम पे कितना सारा पोल्यूशन है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्मोग ही स्मोक हो जैसे यहाँ पे कोई धुआं हो जैसे यहाँ पे कोई यू you नो know, कुछ बस्ट हो गया हो जिसकी वजह से इतना सारा धुआं क्रिएट हो चुका है बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये स्मोग है ठीक है जो पूरा दिन रहती है यहाँ पे कोई कोई बर्न नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है ये क्वालिटी एयर क्वालिटी एक्चुअल में राइट एयर बिल्कुल साफ होनी चाहिए बट यहाँ पे डस्ट स्मोक इतना सारा धुआं मिक्स हो रखा है एयर के अंदर आप सोचिए कि अगर आप ऐसी हवा के अंदर अगर आप सांस लो तो फिर आप देखिए कि आपके लंग्स के ऊपर आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पहली बात तो आपको सांस ही नहीं आती ठीक है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि आपको बहुत जल्दी जो है वो आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी राइट इतनी सारी डस्ट अंदर जाएगी तो आपको एलर्जी हो सकती है राइट right? आपको भी पता है मान लो आप बहुत टाइम तक अगर आप डस्ट में रहो तो आपको बहुत सारी एलर्जी हो जाएगी राइट right? तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या टॉपिक है ये राइट right? तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं द रिसेंटली दिल्ली दिल्ली गॉट ए ट्रेलर ऑफ द इन एविटेबल इन्वायरमेंटल मिजरी दैट अवेट्स इन द कमिंग मंथ्स एयर पोल्यूशन ऑन सेम डे द एयर क्वालिटी इंडेक्स सरपास्ट थ्री हंड्रेड स्टूडेंट थ्री जो है वो एयर क्वालिटी का पास कर जाता ये एक बहुत ही सीरियस नंबर है स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डिटेरियोरेशन होना एयर क्वालिटी की राइट right, ग्राफ पे तो बहुत बड़ी बात है ठीक है और पूरी जगह पे एक ब्लैंकेट बन चुका है किसका हेज़ का ठीक है हर जगह पे आपको स्मेल आएगी डस्ट की स्मोक की राइट बट ट्वेंटी मिलियन जो रेजिडेंट्स है यहाँ के सिटी के ठीक है दिल्ली की अगर आप पॉपुलेशन देखो तो वहां पे ट्वेंटी मिलियंस लोग रहते हैं स्टूडेंट्स ठीक है उनका जीना मुश्किल हो गया इतनी खराब एयर के अंदर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली पोल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर इवन स्टूडेंट एक स्टडी के अकॉर्डिंग uh, एक स्टडी हुई अभी अभी जिसके अकॉर्डिंग ये भी देखा गया है कि जो दिल्ली है वहां पे जो एवरेज एज है लाइफ की ह्यूमन लाइफ की जो एवरेज एज होती है वो ग्यारह साल कम हो गई पांच साल तो स्टूडेंट मुंबई के अंदर कम हो गए मुंबई में भी जो लोग रहते हैं कहना राइट जो मुंबई की लोकेशन है उस हिसाब से वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं होना चाहिए राइट वो वेस्टर्न घाट पे लाई करती है वहाँ पे भी स्टूडेंट पाँच साल जो है वो ह्यूमन लाइफ के कम हो चुके और यहाँ पे कितने हो गया ग्यारह साल मतलब कि कोई भी ह्यूमन लाइफ मान लो उसकी एज जो है वो एवरेज सेवेंटी है तो अभी जो उसकी एज है वो सिक्सटी से भी नीचे रह गई है राइट और इवन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने ये बताया कि एयर पोल्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.7 मिलियन डेथ हर साल जो है 1.7 मिलियन डेथ हो रही है स्टूडेंट किसकी वजह से एयर पोल्यूशन की और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स की एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है स्टूडेंट्स वो चिल्ड्रंस को होता है क्योंकि चिल्ड्रंस का जो इम्यून सिस्टम होता है उनका जो पल्मोनरी सिस्टम है वो वीक होता है कंपेयर टू पर्सन अडल्टो दैट्स वाई स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होगी वो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी राइट अगर उनके लंग्स में दम नहीं होगा राइट तो वो स्पोर्ट्स में बाकी एक्टिविटीज में किस तरीके से यू नो हंड्रेड परसेंट अपना दे सकते हैं राइट right? दमे की प्रॉब्लम सांस की प्रॉब्लम सांस फूलने की प्रॉब्लम पल्मोनरी डिजीज ट्यूमर ये सब डिजीज जो हैं वो यू you नो know, बहुत ही ज्यादा थ्रेट कर सकती हैं ह्यूमन लाइफ को राइट right? ओके okay. अच्छा रीजन क्या है मैंने आपको इतना सब कुछ बता तो दिया अभी आप भी मेरे से पूछोगे कि मैम इतना सारा अगर दिल्ली में प्रॉब्लम है और और भी जो सिटीज़ है हमारी अर्बन सिटीज मुंबई कोलकाता राइट अब तो इवन हम चंडीगढ़ को भी कंसीडर कर सकते हैं इतनी ज़्यादा जो लो एयर क्वालिटी होती जा रही है इसका रीज़न क्या है मैम तो रीज़न स्टूडेंट सबसे पहले जो रीज़न है दैट इज अ स्टबल बर्निंग जो इस टाइम पे पंजाब हरियाणा के अंदर जो राइस डैडी की कल्टीवेशन होती है वो इसी टाइम पे इस टाइम भी ये लेक्चर चल रहा है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे रेडी की जो फसल है वो पूरी तरीके से पक कर रेडी हो जाती है और फिर जब हम उसको उसमें से जब हम चावल निकाल लेते हैं तो उसके पीछे जो है वो बहुत सारा रॉ रॉ जो मटेरियल है वो बच जाता है राइट तो उसको फिर क्या करते हैं फार्मर्स जल्दी के चक्कर में उसको जला देते हैं उस सारी की सारी जो जितनी भी हमारी क्रॉप है क्रॉप रेजिट्यूज है वो जला देते हैं ठीक है फॉर द नेक्स्ट क्रॉप के लिए कि नेक्स्ट क्रॉप जो है अभी क्या उगाना है वीट का सीजन है राइट तो वीट को जल्दी उगाना है राइट क्योंकि अगर वीट को हम लेट ग्रो करेंगे ठीक है तो आगे अप्रैल में या मार्च में फिर से गर्मी शुरू हो जाती है ठीक है तो जो वीट की फसल है वो पूरी तरीके से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती पक नहीं पाती अच्छा ठीक है इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स की रेजिड्यू को जल्दी क्लियर करने के चक्कर में ठीक है फटाफट फार्मर्स जो हैं वो पंजाब हरियाणा यूपी के ये क्या करते हैं स्टबल बर्निंग करते हैं ठीक है सारी क्रॉप रेसिड्यू को जला देते हैं इसकी वजह से स्टूडेंट इतना सारा स्मॉग क्रिएट हो जाता है इतना सारा धुआं बन जाता है वहाँ पे और वो सब का सब मिक्स हो जाता है किसके अंदर विंड के अंदर और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सफर इन 2021 राइट right, एक बॉडी है स्टबल बर्निंग जो है वो दिल्ली पोल्यूशन जो में ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है स्टबल बर्निंग इवन जो है वो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स यू नो हार्मफुल गैसेस ऐड करती जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया मीथेन कार्सिनोजेनिक पोलिसाइकलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वॉलीटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब कुछ जो है वो स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होता है जनरेट होता है ठीक है जी अच्छा अच्छा अब आप मेरे से ये बोलोगे कि मैम दिल्ली ही क्यों स्टबल बर्निंग जो है अगर आप अगर आप इंडिया का मैप देखो तो आप मेरे को बोलोगे कि मैम जो हमारा पंजाब है हरियाणा है वो यहाँ पे है और दिल्ली यहाँ पे है राइट तो फिर दिल्ली ही क्यों दिल्ली में ही इतना स्टबल बर्निंग का हमें प्रॉब्लम क्यों नज़र आता है वहीं पे क्यों स्टबल बर्निंग हो कहीं पे रही है राइट उसका इम्पैक्ट दिल्ली पर पड़ रहा है ऐसा क्यों दैट इज़ ड्यू टू विंड डायरेक्शन स्टूडेंट विंड डायरेक्शन जिस तरफ हवा चले कि स्टूडेंट सारा स्मोक सारा जो पॉल्यूशन है वो वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाएगा तो विंड डायरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट दिल्ली की पॉल्यूशन में स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ द प्रेडोमिनेंट डोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ विंड इन दिल्ली इज नॉर्थ वेस्टर्ली पोस्ट मॉनसून ठीक है एक्चुअल में है क्या मैं आपको समझाता दिस इज इंडियाज मैप दिस इज अर्थ इंडिया दिस इज द डेली दिस इज अवर पंजाब एंड दिस इज हरियाणा और ये यूपी ज़्यादातर यहीं पर हमारी स्ट्रबल बर्निंग का इशू रहता है तो होता क्या स्टूडेंट आफ्टर मानसून सीजन नॉर्थ वेस्टर्नली विंड्स चलनी शुरू हो जाती है इधर वाली साइड इस डायरेक्शन तो ये क्या करती हैं इस डायरेक्शन में सारी के सारी जो हमारी स्ट्रबल बर्निंग का जितना भी रेजिड्यू पॉल्यूशन होगा वो सारे का सारा जो है वो डेली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है डेली की तरफ क्या और शुरू हो जाता है बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्ली विंड की वजह से दीज विंड ब्रिंग डस्ट एंड स्मोक टू द सिटी ये बहुत सारी डस्ट और स्मोक लेकर आती है जो स्टबल की वजह से हरियाणा पंजाब में जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल फिजिकल सेवेंटी टू परसेंट डेली का जो विंटर का है विंटर की जो विंड है वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से ही फ्लो करती है मतलब इस डायरेक्शन ठीक है तो यहाँ पे क्या है डेली है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फाइव द एयर क्वालिटी इम्प्रूव थोड़ी सी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई थी पच्चीस अक्टूबर के आसपास क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ गया था डायरेक्शन चेंज हो गई थी नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट हो गई थी जिसकी वजह से डायरेक्शन जो है चेंज हो गई इवन अभी भी डायरेक्शन जो है वो राजस्थान की तरफ है मतलब कि थोड़ा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुके हैं मतलब इधर वाली साइड राजस्थान वाली साइड वो धुआं जा रहे हैं बट जैसे स्टूडेंट जैसे अगर ये डायरेक्शन डायरेक्शन तो विंड की चेंज होती रहती है ना और ऊपर से क्या इस टाइम पे दिवाली का सीजन आ रहा है है ना बारह नवंबर को अभी दिवाली है राइट तो उसकी वजह से क्रैकर्स बस्ट करेंगे राइट उसका पोल्यूशन भी ऐड होगा दिल्ली के अंदर और फिर तो बहुत सिचुएशन होने वाली मतलब अगर अब इस टाइम पे थ्री हंड्रेड का स्केल है तो आप सोचिए कि उस टाइम पे वो कितना क्रॉस करेगा राइट तीन सौ चार सौ पांच सौ छे सौ तक का अगर क्रॉस कर गया तो मतलब समझ लीजिए कि आप अपने घर में बैठ कर भी सांस नहीं ले सकते ठीक है जी तो नेक्स्ट बात करते हैं एक इसमें एक और भी बड़ी चीज है दैट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब ये होता है स्टूडेंट सीयर रूल अगर आप जोग्राफी ध्यान से पढ़ोगे तो जोग्राफी में आप एक कॉन्सेप्ट समझती हो कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है मतलब कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे, वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो टेम्परेचर क्या होता जाता है कम होता जाता है डिक्रीज होता जाता है आप देखिए प्लेन एरिया से आप माउंटेन की तरफ जाइए जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ता जाएगा जाएगा क्या होता स्टूडेंट कम होता जाएगा बट यहाँ उल्टा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या है उल्टा हो जाता है मतलब कि टेम्परेचर घटने के बजाय टेम्परेचर बढ़ जाते हैं ठीक है ये तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन इज द दैट अकर्स मेंस एयर

जो कोल्ड लेयर है कोल्ड एयर की लेयर है ठीक है इसके ऊपर एक वार्म एयर की लेयर बन जाती है की लेयर बन जाती है वार्म एयर की बननी तो नहीं चाहिए बट ड्यू टू टेम्परेचर इनवर्जन ऐसा होता है आप क्या होता है ना स्टूडेंट कोल्ड एयर नीचे बन गया अब ये ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि ठंडी ठंडी हमेशा डेंस जो जब एयर ठंडी हो जाती है तो डेंस हो जाएगी है ना डेंस हो जाएगी तो डेंस चीज हमेशा क्या रहती है नीचे रहती है है ना नीचे रहती है डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे रहती है इतना तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक थोड़ा पढ़ा ही होगा भारी तो हवा है वो नीचे रहेगी तो यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट भारी हवा जो है वो नीचे रहेगी जिसकी वजह से जितना भी पॉल्यूशन डस्ट स्मोक वो सब के सब ये नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है ग्राउंड लेवल पे क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है स्टूडेंट ठीक है जी तो ट्रैप हो जाती है इसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे दिल्ली के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है और एक डॉम बन जाता है एक तरीके का ठीक है वो पोल्यूशन ऊपर जा नहीं पाता डस्ट ऊपर वाली हवा में जा नहीं पाती वो नीचे ही ट्रैप होके रह जाती इसकी वजह से स्मोक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सेकेंड जो है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन व्हीकल्स स्टबल बर्निंग ठीक है अदर सोर्सेज से जितना भी पोल्यूशन होता है वो सब का सब एक स्म, थिक स्मोक स्मोक का यू नो स्म का एक लेयर बना लेता है किसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर ये मतलब दिल्ली दिल्ली के ग्राउंड के ऊपर ही सारा पोल्यूशन बन जाता है मतलब कुछ हाइट तक जहां तक मतलब हम हमारी एयर जो नीचे वाली एयर है ग्राउंड की वहां तक सारा पोल्यूशन जो है वो वहीं पे स्टक्क हो जाता है ऊपर जा ही नहीं पाता गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है स्टूडेंट आप ये समझिए कि गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है

दूसरा है एंटी पॉल्यूशन कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली मेजर एंटी पॉल्यूशन कैंपेन लॉन्च किए ठीक है, है? जैसे कि युद्ध प्राशुद्ध के विरुद्ध ठीक है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध बिच इंक्लूड ट्री प्लांटेशन दिल्ली ग्रीन ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की है ठीक है ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की है अलाउ सिटीजन टू रिपोर्ट एनी सिंस्टांसिस ऑफ पोलूशन सच एज गार्बेज बर्निंग इंडस्ट्रियल एमिशन ट्रैफिक कंजेशन मतलब कि अब क्या है इस ऐप के थ्रू सिटीजन बताएंगे कि अगर मान लो कहीं पे कचरा जला रहा है कोई है ना तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ए, ए, एमिशन हो रहा है जरूरत से ज्यादा तो आप खुद बताओ गवर्नमेंट तक इन्फॉर्म करो उसको नेक्स्ट है बायोडिकम्पोजर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट कि अगर स्टबल बर्निंग हो रही है मतलब किसान अगर रेजिड्यू जला रहे मजबूरी है ना अगर आप उसको कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे दो कि जल्दी से जो रेजिटिव है वो फील्ड में से क्लियर हो जाए तो स्ट्रबल बर्निंग का इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके लिए बायो बायोडिकम्पोजर्स बनाए गए हैं इस सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय पूसा इंस्टीट्यूट दैट हेल्प फार्मर टू डी द क्रॉप रेजिटिव इन देयर फील्ड विदाउट बर्निंग इट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री स्प्रेइंग ऑफ बायो बायोडिकम्पोजर इन दिल्ली फार्मलैंड नेक्स्ट है वाटर स्प्रे क्या करो पानी का छिड़काव करो जिसकी वजह से जो डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए नीचे बैठ जाए ठीक है तो स्प्रिंकलिंग फैसिलिटीज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट मॉनिटर करो उनको कंटिन्यू ठीक है क्या होना चाहिए यूज करो क्लीन एंड ऑथोराइज फ्यूल द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड पाइप नेचुरल गैस टू इंडस्ट्रीज एंड सेटअप कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन दिल्ली नेक्स्ट स्टेप इज सर्टिफिकेट द एनफोर्समेंट ऑफ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दे रही है व्हीकल्स को और बैनिंग कर रही है ट्रक्स को ठीक है सो दैट नॉन इसशियल गुड्स को एंटर करने से रोका जा सके सिटी के अंदर ठीक है मोग टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं ठीक है थीके? कि सो दैट लार्ज फैन से क्या करो हम फिल्ट्रेशन करें एयर को ठीक है तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे यहाँ पे यू नो कंट्रोल करने की ट्राई कर रही है पोल्यूशन को ठीक है बट फिर भी इफेक्टिव इतने मेथड method, ये मेथड्स इतने इफेक्टिव नहीं है स्टूडेंट्स जितने की यू you नो know, एक एक स्ट्रॉन्ग मैं ऐसा बोलूंगी कि यहाँ पे कि एक यहाँ पे स्ट्रोंग प्लेज लेने की ज़रूरत है स्टूडेंट ठीक है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को ही नहीं पूरे हमें इंडिया पे काम करने की जरूरत है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पैन इंडिया लेवल पे काम करने की जरूरत है। जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन आ गए है ना अगर हम crackers को ब, बस्ट ना करें बहुत मिनिमम लेवल पे अगर हम करें ग्रीन क्रैकर्स को अगर हम यूज करें तो इसे बहुत एक इफेक्टिव असर पड़ सकता है यू you नो know, एक आपको इफेक्टिव वे है ये ठीक है कि आप पोल्यूशन को कम करो मतलब आप एक दिन के एंजॉय के लिए और अगले दस दिन तक आप उस गंदी या खराब एयर में आप सांस लो ये कहाँ का मतलब फेस्टिवल का वो हो गया राइट फिर तो आप फेस्टिवल कम सेलिब्रेट कर रहे हो और अपने लिए यू you नो know, मौत बुला रहे हो कि हाँ जी आ जाओ है ना वो वाली बात हो जाती है यहां पे ठीक है तो फेस्टिवल है है आई नो ठीक लाइट्स का फेस्टिवल है स्टूडेंट इसको सेलिब्रेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्रैकर्स को फोड़ के इसको सेलिब्रेट कर सकते हो राइट इसको और भी तरीके हैं इसको एंटरटेनमेंट करने के राइट इसको और ज्यादा इंजॉय करने के लिए तो आप अपने इवन जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको आप थोड़ा इवन गाइड भी कर सकते हैं कि जो क्रैकर्स हैं उनको बस्ट करने से बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है इतना सारा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है राइट क्योंकि स्टूडेंट्स अगर गर्मी का सीजन होता है फिर भी हम मानते हैं कि जो हमारी एयर है चलो वो ऊपर चली जाएगी पॉल्यूशन पॉल्यूटेड एयर बट अभी विंटर का सीजन है इसलिए जो एयर है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या हो रही है यहाँ पे जितना भी हमारा स्मोक डस्ट वगैरह होते हैं वो सब कुछ कोल्ड एयर के अंदर स्टक हो जाती है जिसकी वजह से स्मोक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो खास करके दिल्ली के अंदर जो है वो क्रैकर्स के ऊपर बिल्कुल बैन होना चाहिए ठीक है क्योंकि पॉल्यूशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है अगर बहुत ज़्यादा क्रैकर्स बस्ट हुए तो सिचुएशन इमरजेंसी जैसी क्रिएट हो सकती है यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है तो हम सबको प्लेज लेनी चाहिए कि हम एयर पल्यूशन को कम करेंगे राइट और क्रैकर्स को इतना बस्ट नहीं करेंगे जो हमारा फेस्टिव है फेस्टिवल है उसको हम इंजॉय भी करेंगे ठीक है बट इन अदर वेज राइट ओके स्टूडेंट्स तो मैं सेशन को यहाँ पे करती हूँ ओवर और इवन स्टूडेंट हमारा पी का यहाँ पे बैच भी लॉन्च हो चुका है ठीक है फ्रॉम फर्स्ट नवम्बर ठीक है जिन भी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करनी है फॉर द पंजाब पी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लाइव रिकॉर्डेड प्लस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो फटाफट से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए फॉर द पंजाब पीसीएस तो इसी के साथ मैं ये सेशन करती हूँ यहाँ पे ओवर लाइक दीजिए कमेंट कीजिए और इवन शेयर भी कीजिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मच